ये स्क्रीनशॉट तो थोड़ा पुराना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये एक लड़की ने मुझे मैसेज किया पश्तो में, कह रहे हैं पेरीपल से कुछ नाम है इसका जो ऐप का ऐड करना है। मैंने कहा थोड़ा रिसर्च कर दूं, जब मैंने रिसर्च किया तो इसमें भी बेटे भी लगाना पड़ता है, गेम लगाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद फिर ये वाला वीपी गेम वाला ऑप्शन आ गया। इसका ईमेल चेक करो, इन्फ्लुएंसर कॉन्ट्रैक्ट। इसको लगता है मैं तूतिया हूँ ना, इतना सारा लाइसेंस यूएई लाइसेंस नंबर रिप्रेजेंटिंग यूए कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरा एक दोस्त है, आप लोग जानती भी है, अननोन ओपी। इसको मोस्ट बेट वालों ने मैसेज किया है, शायद मोस्ट बेट का मेरा नंबर नहीं था इसी वजह से उसको मैसेज किया कि मेडल को बोलो कि मोस्ट बेट की प्रमोशन करिए। इसने मुझे पश्तो में बताया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मेरी पब्लिक बिल्कुल ठीक ठाक और मजे से हो। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट, क्योंकि आज हम उन गेम और एप्स के हवाले से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल होती जा रही है। इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे कि ये एप्स ये गेम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं और हमें और भी कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखो ताकि आपको एक एक पॉइंट का समझ आ सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऐसे एप्स या गेम्स के ऑपोजिट या इनके खिलाफ कोई भी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि इनको लगता है ये इनकी व्यूज नहीं ले सकता। ये थंबनेल लगा के टाइटल लगाते हैं कि भाई इधर ऐप पे खेलो, इतने कमाओ, इतने वन क्लिक पे रोजाना 50,000 कमाओ, ये कमाओ। आज आपको इस पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि ये स्कैम है, ये दो नंबर तरीके हैं, ये फ्रॉड हैं। कुछ महीने पहले तुम लोगों ने सुना होगा आईडिया के हवाले से, जिसमें हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर भी शामिल थे, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए इन लोगों ने इसमें डलवा दिए। हुआ क्या, मेरा टैप करना था 24 घंटों में, हुआ क्या आखिर में ऐप काम छोड़ दिया। Withdraw under review, withdraw not possible। तब से जो वाजे बात है जो को आप लोगों को समझ नहीं आती है वो ये जितनी भी दो नंबर एप्स है ना या गेम्स है, ये प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में अवेलेबल नहीं है। जब भी तुम लोग इसको डाउनलोड करोगे, ये जो टिकटॉकर हजरात हैं आपको जब करवाते हैं ना कि आपकी वीडियो फॉर यू पे नहीं जाती है, लिंक पे जाओ फॉर यू का ऑप्शन है, अगर वो नहीं आ रहा तो मेरे बायो में लिंक है, उधर जाओ वेबसाइट पे रीड मोर पे क्लिक करके नीचे आ जाओ डाउनलोड करो, ये इसी का लिंक ये आपसे ये डाउनलोड करवाते हैं, इन लोगों के जरिए आपसे डाउनलोड करवाते हैं। ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं इनको 5-5, 10,000 रुपए देते हैं, ये बड़ा गिरोह होता है। वो आपको देते हैं भाई लो मेडल, भाई ले लो 5,000, बायो में लिंक लगा, छोटी सी वीडियो 15 सेकंड की लगे, तुम्हारा क्या जाता है इस ऐप को डाउनलोड करे, तुम्हारा क्या ना, तुम लोगों ने बर्बाद करती है। ये वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ये लोग दो नंबर होते हैं, इनकी वेबसाइट दो नंबर होते हैं, इनकी गेम्स इनकी ऐप दो नंबर होते हैं। तब तो ये आपको एप्पल स्टोर में नहीं मिलेंगे, आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दो नंबर है। फायदा इनको मुख्तलिफ तरीकों से है। सबसे पहले फायदा ये है कि आप जब ये आपको जो टिकटॉकर्स हजरात हैं आपको या जो यूट्यूबर्स हजरात हैं आपको बताते हैं कि लिंक पे जाइए, लिंक पे जाने के बाद मिलियंस लोग जो हैं उस वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रैफिक आता है। आईटी के जो रिलेटेड लोग हैं इनको जाते हैं, जब एक वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक जाता है तो कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये लोग आईटी वाले समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। दूसरी बात ये ऐप डाउनलोड करते हैं, इससे भी पैसा कमाते हैं। तीसरी बात ये कि जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोबाइल नंबर, गूगल, फेसबुक, किसी से बता लिंक करते हैं ना, वो एक्सेस उसको आप लोगों ने दे दिया। दूसरी बात ये तीसरी कि जब आप ऐप ऑन करेंगे आपको परमिशन में माइक, कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, ये सब आपसे लेते हैं, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। आप इसके डेवलपर ऑप्शन में जाएं, आपको कोई इधर नहीं मिलेगा कि इसका ऑफिस कहाँ है, इसका कॉन्टैक्ट कहाँ है, इसका ईमेल कहाँ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दो नंबर है। अगर आपके पास आप जो प्ले स्टोर में एप्पल स्टोर में कोई भी गेम ऐप डाउनलोड करेंगे कोई गलत काम करता है, आप उसको जा सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, एप्पल स्टोर प्ले स्टोर वाले उसको रिपोर्ट करता है, लेकिन इसका कोई है नहीं क्योंकि आपने डाउनलोड तो वेबसाइट से किए। तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। ये जो वीडियोज लीक होती है, ये जो तस्वीर लीक होती है या जो गलत काम होते हैं यही ऐप्स करते हैं। सब लोगों का डाटा भी इकट्ठा होता है, पैसे कमा लिए, कोई पूछने वाला है नहीं, ना इनका ऑफिस का पता, ना इनके ईमेल का पता, कुछ भी नहीं। कहाँ बैठा है, कहीं कब्रिस्तान में बैठा है या फिर अफगानिस्तान में बैठा है या फिर पाकिस्तान में बैठा है, कहाँ बैठा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये होता है इन लोगों का फ्रॉड का तरीका। तुम लोगों ने भी कुछ दिन से नोटिस किया होगा ये जो B9 है कि F9 गेम है, दोनों गेम्स है, लेकिन आजकल मेरे ख्याल में ये ग्रीन लोगो वाला जो है ज्यादा फेमस होता जा रहा है। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, आप इस पे जाएं और फर्स्ट क्लिक पे जाएं, ये जितनी भी इन्विटेशन के जरिए जाते हैं ना, आपने एक दो बंदे को इन्वाइट किया आपको 300 मिल गए, आपने 1,000 को इन्वाइट कर दिया आपको 4,00,000 मिल गए, इसी लालच में आकर के ये बात फैल जाती है,
डाउनलोडिंग भी हो जाती है, वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आ जाता है, विड्रॉ भी आ जाते हैं। हर बंदा कम से कम 100-200 तो करता है, करोड़ों लोग हैं तो 100 तो 300-400 करोड़ तो गए, फिर वापस निकालना मुश्किल है क्योंकि 100-200 रुपए है। जब ऐप को लगता है कि बस अब मैं फुल हो चुका हूँ, वक्त हुआ जाता है भागने का, ऐप बंद, एरर, ओपन नहीं होता है, दूसरे के साथ देखते हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये होता है इनका स्कैम का तरीका। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेडल भाई आप ऐसे प्रमोशन अभी तक या ऑफर नहीं है या आप करते नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, बहुत ज्यादा ऑफर्स आई हैं और बड़े बड़े ऑफर्स आई हैं इन एप्स को प्रमोट करने। इन मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाता चलूं। ये स्क्रीनशॉट तो थोड़ा पुराना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये एक लड़की ने मुझे मैसेज किया पश्तो में, कह रहे हैं पेरीपल से कुछ नाम है इसका जो ऐप का ऐड करना है। मैंने कहा थोड़ा रिसर्च कर दूं, जब मैंने रिसर्च किया तो इसमें भी बेटिंग लगाना पड़ता है, गेम लगाना पड़ता है। बेटिंग उर्दू में उसको जुआ कहते हैं, पख्तो की वर्त जुआरी वही, जुआरी कवल, जुआ करना, जुआ लगाना, ये हराम। एक तो तुम दो तीन बंदे बैठे है ना, तुम लोग जुआ कर रहे हो, बात इधर ही खत्म होती है। एक मैं कह रहा हूँ भाई तुम लोग जुआ खेलो, डाउनलोड करो, भाई तुम तो गुनाह गुनाह और सारी दुनिया के भी गुनाह इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इसको मैंने बोल दिया, हालांकि ये 50-60 हजार रुपए की वीडियो की अपलोड दे रहे हैं। मैं महीने में 10 वीडियो अपलोड करूँ, 50 हजार दे देंगे तो 5-6 लाख इजी, मैं तो मालदार तरीन बन जाऊंगा। तो फिर मैंने उसको रिप्ले में पश्तो में बता दिया, जुड़मी नकी वाला बेटिंग ऐप तीनों तो बदा बरबल से भी। मैंने उसको बता दिया कि यार मेरा जमीर नहीं मान रहा कि मैं इसको भरूँ, बहरहाल अलाफिस। कुछ दिनों बाद फिर ये वाला वीपी गेम वाला ऑप्शन आ गया, इसका ईमेल चेक करो, इन्फ्लुएंसर कॉन्ट्रैक्ट। इसको लगता है मैं तूतिया हूँ ना, इतना सारा लाइसेंस यूएई लाइसेंस नंबर रिप्रेजेंटिंग यूए द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट द परमानेंट सारे लगाते हैं। फिर मैंने इसको सर्च किया, इसमें भी बेटिंग ऐप थी। ये कह रहे थे हम आपको वीकली 2 लाख रुपए देते हैं, आप सिर्फ बायो में लिंक लगा दे, 2 घंटे स्ट्रीम करने, ये करनी। मैंने कहा जब सर्च किया जुआ, मैंने कहा तोबा बाढ़ में जाओ। ये मेरा एक दोस्त है, आप लोग जानती भी है, अननोन ओपी, इसको मोस्ट बेट वालों ने मैसेज किया है, शायद मोस्ट बेट का मेरा नंबर नहीं था इसी वजह से उसको मैसेज किया कि मेडल को बोलो कि मोस्ट बेट की प्रमोशन करिए। इसने मुझे पश्तो में बताया दा ये आपने ऐप कर लिया। मैंने कहा मैं सर्च करता हूँ जुआ है कि नहीं, जब मैंने देखा कि जुआ है मैंने उसको बोल दिया कि यार गुनाह है और ऐसे कोई रिलेटेड हो लेकिन बैटिंग वाला नहीं, तो उसने बोला चलो अल्लाह हाफिज़। ऐसी बहुत सारी ऐप आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं कि भाई आपने 2 घंटे स्ट्रीम करने, सिर्फ ब्लॉग में लिख लगाने। मेरे एक दिन एक पख्तून था उससे पूछ लिया, मैंने कहा जलील बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, पेरीपल से ये चीज़ें ये तुम लोग, कहते नहीं कोई डाउनलोड। मैंने कहा किसी डाउनलोड किया तो, कहता ये और पता नहीं इन लोगों ने अच्छा माइंड सेट बनाया होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, जितने भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, टिकटॉकर, यूट्यूबर्स हैं, ये तुम लोग बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। तुम लोग 1xBet, MostBet, पेरीपल्स, F9, F9, B9 को सब उसका करते हैं। तुम लोग को उस वक्त पैसे मिले होंगे लेकिन याद रखो ये पैसे तुमसे निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे। ये तुम गुनाह तो तुम भी कर रहे हो, ऊपर से अपने लोगों के भी तबाह बर्बाद कर रहे हो। तो बराए करम अल्लाह का वास्ता इस चीज़ों में ना पड़ो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ख़ुद को तबाह ना करो, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। गुनाह से भी बचो, फ्रॉड से भी बचो, अपने जलीलपन से भी बचो, अपनी शर्मिंदगी से बचो, अपने फिर किए हुए पे पछताओगे से बेहतर ये चीज़ें ना करो। तो आप लोग आखिर में सोच रहे होंगे मेटल भाई ये ऑनलाइन चीज़ें ना करें, कोई हलाल तरीका होगा? बहुत सारे हैं भाई, अमेजोन है, अलीबाबा है, शॉपिफाई है, फेसबुक मार्केटिंग प्लेस है। तुम लोग फेसबुक आसान तरीके, फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इनसे कैसे पैसा कमाएंगे? आप लोग सर्च करें पेरीपल्स, बेट9, बी9, शी9, ये सारे फ्रॉड कर रहे हैं भाई। इस तरह ना करो, इन चीज़ों में ना पड़ो। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।